हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक भाषा माधुरी, रफ कॉपी, पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है छोटे उ की मात्रा। आपको छोटे उ की मात्रा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको उ की मात्रा से जुड़े सभी शब्द अच्छी तरह पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे। बेटा, उ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, ना आगे लगती है ना पीछे। जैसे छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। तो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 6 छोटे ऊ की मात्रा। पार्ट 6 छोटे ऊ की मात्रा। बच्चों, ये छोटा ऊ है और यह इसकी मात्रा है। तो इसका पेज नंबर 19 हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 करने से पहले हम एक बार इसको रीड करेंगे। कर्टिल ग को छोटे उ की मात्रा लगाओ। बच्चों, पहले हम सभी व्यंजन लिखेंगे, कर्टिल ग लिखेंगे, क ख ग लिखेंगे, फिर उसको उ की मात्रा लगाएंगे, छोटे उ की मात्रा। क, क को छोटे उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कु। ख को छोटे उ की मात्रा लगाई तो बन गया खु। जू, दू, सु। तो ऐसे ही आप अपनी रफ कॉपी पे पहले कर्टिल ग लिखेंगे और उसको उ की मात्रा लगाएंगे। और आपको एक बात याद है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा र की जो है उ की मात्रा उसके पैर पे उसके नीचे नहीं लगती। कहाँ लगती है? उसके पेट में। याद आ गया ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। अब मैं आपको और एग्जाम्पल्स बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, र प्लस छोटा उ तो क्या बन गया, रु। ठीक है, अब यहाँ ग को छोटा उ गु, र को छोटा उ रु गुरु। देखो, ग के पैर में कौन सी मात्रा आई, छोटे उ की, वो हमने उसके नीचे लगाई है, पर जब र को आई है तो हमने उसके पेट में लगाई है। क्लियर हो गया ना, दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना। सिर्फ र ही एक ऐसा व्यंजन है जिसके पेट में आती है। र को छोटा उ रु, बड़ी ई रुई। र को छोटा उ रु, प य को आ रु पया। इन एग्जाम्पलों से आपको र को जब मात्रा आनी है वो क्लियर हो गया ना। तो अब हम आएंगे पेज, पढ़ कर अंतर जानिए। बेटा, यहाँ पे उन्होंने हमें टू लेटर वर्ड्स दिए, कोई आ की मात्रा कोई ई की मात्रा नहीं दी, जैसे प ल पल। और यहाँ पे उन्होंने हमें प को छोटे उ की मात्रा दी तो क्या बन गया, पु ल पुल। यहाँ पे सिंपल टू लेटर वर्ड था, यहाँ पे प को छोटे उ की मात्रा जुड़ी तो बन गया पुल। क ल कल, क को छोटा उ कु ल कुल। ग अण गण, ग को छोटा उ गु अण गुण। बेटा पता चल रहा है ना, उ की मात्रा क्लियर हो रही है, वेरी गुड। म न मन, म न को छोटा उ नु मनु। त न तन, त न को छोटा उ नु तनु। ध न धन, धनु। क ट को छोटी इटी या कटिया। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क को छोटी उ की मात्रा दी, क को छोटा उ कु, ट को छोटी इटी या कुटिया। बढ़िया बुढ़िया, पतली पुतली। प को छोटा उपु, त ल को बड़ी ई पुतली। तो बच्चों, आपको पढ़कर अंतर जानिए समझ आ गया ना, उ की मात्रा क्लियर हो रही है। तो आगे हम करेंगे, पढ़िए। स को छोटा उसु, म न सुमन। उठ कर बाग चल। ब को आ ग बाग। बेटा बाग क्या होता है, बगीचा, गार्डन, जी ए आर डी ई एन गार्डन। नेक्स्ट, ग को छोटा गु, ल को आला, ब गुलाब। गुलाब मीन्स रोज, आर ओ एस ई रोज। सबको गुलाब का फूल पसंद है ना। चुन कर ला, च को छोटा उ चु, न चुन
कर कर। बेटा इस निशान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आज आप मेरे को बताएंगे इस निशान को क्या कहते हैं। वेरी गुड, पूर्ण विराम। हम पूर्ण विराम कहाँ पे लगाते हैं? जब हमारा वाक्य फिनिश होता है। इनकी छोटी ई, न कक्को बड़ी ई, इनकी माला बुन, बको छोटा बुन बुन। यह माला दुकान पर रख कर गुलाब जामुन खा, दको छोटा उदू ककु आकार, न दुकान, दुकान मीन शॉप, SHOP शॉप। अब धनिया पुदीना लाकर उनकी चटनी बना, पको छोटा उपू दको बड़ी दी, नको आ पुदीना। व र को छोटा उ अण वरुण। बेटा ये देखो, अब र को छोटे उ की मात्रा कहाँ आई है? उसके पेट में। चटनी खा कुसुम, कको छोटा उ कु, सको छोटा उ सु, म कुसुम। साबुन ला, सको आ बको छोटा उ बु, न साबुन, साबुन मीन सोप, SOAP सोप। सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? आपने मेरे साथ ऐसे से रीडिंग करती जानी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। बको छोटा उ ल बुल, बको छोटा उ ल बुल, बुल बुल, बुल बुल मीन्स बुल बुल, BUL बुल, BUL बुल बुल। उस टहनी पर आई टह, नकबड़ी ई टहनी। गको छोटा उ न गुन, गको छोटा उ न गुन, गुन गुन। बुलबुल मत उड़ा, यह मीठा गीत सुनाएगी। बेटा गीत मीन सॉन्ग, SONG सॉन्ग। समझ आ रहा है ना? ऐसे आप मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे। गको छोटा उम गुम, सको छोटा उम सुम, गुम सुम मत रह। खको छोटा उ खुश, खुश। बेटा खुश मीन्स हैप्पी, HAPPY हैप्पी। रहना सीख। बुलबुल मीठा गीत सुनाकर उड़ गई, सुनाकर। सको छोटा उसु नको अना कर कर, सुना कर। गको छोटा उगु न गुन, गको छोटा उगु न गुन, गुन गुन। बहुत खुश हुई। ब हको छोटा उखु त बहुत, हको छोटा उखु बड़ी ई हुई। तो बच्चों आज हमने किया पेज नंबर 20 की रीडिंग। घर से आप फिर से पेज नंबर 20 की अच्छी तरह रीडिंग करेंगे और उसके 10 शब्द डिक्टेशन के अपने माता पिता को लिखकर चेक करवाएंगे, जिससे आपको छोटे उ की मात्रा पढ़ने भी आ जाएगी और लिखनी भी आ जाएगी। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।